बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही सादा सा होगा और लजीज इंतहा बहुत ही मज़ेदार। तो आइए बनाते हैं यखनी पुलाव बीफ का। पुलाव के लिए आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया, चर्बी वाला थोड़ा सा है चिकना, और ये एक पोटली मैंने बनाई है मसालों के साबत, गरम मसाले जितने थे सौंफ के साथ, इसमें मैंने एक पोटली बना के डाल दी। तो जब गोश्त गल गया तो ये यखनी तैयार है। इसमें एक प्याज भी मैंने डाला है और एक लहसुन है इसमें साबत ही, जैसे एक पोथी होती है लहसुन की, वो है, वो भी इधर ही होगी कहीं, ये आगे नज़र। ये अब ये भी मैं निकाल ली, इसको भी मैं सारा छिलके निकाल के इसे निचोड़ के इसका गुर्दा भी इसमें डाल दूँगी। तो ये यखनी मैंने ऐसे तैयार कर दी यखनी पुलाव के लिए। तो दूसरा मैंने एक प्याज ली है, तो आधे कप से बहुत थोड़ा, आधे कप से भी आधा कप समझो ऑयल मैंने ले लिया है, क्योंकि वो यखनी में भी घी नज़र आ रहा होगा उसकी, जो वो चिकना था गोश्त, तो उस वजह से मैंने बहुत कम ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो चिकना हो जाएगा सारा। तो ये प्याज फ्राई करने लगी हूँ मैं, जैसे फ्राई होगी तो मैं इसमें फिर वो जो यखनी का गोश्त है वो मैं इसमें डाल के, तो थोड़ा सा भून के यखनी शामिल करनी है। फिर उसके बाद फिर वही प्रोसीजर जैसे पुलाव बनाते हैं, चावल डालें और दूसरे मसाले डाल के, तो फिर तैयारी होगी। अभी फ़िलहाल फ्राई हो रहे हैं प्याज। ये प्याज गोल्डन फ्राई कर चुके हैं मैं, इतना ही कलर पुलाव के लिए होता है, तो फिर पुलाव मज़ेदार बनता है। ये ज़ीरा है, ज़ीरा इसके साथ नहीं मैंने फ्राई किया, वो ज़्यादा ही फिर ब्लैक शक्ल में आ जाता है, तो थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो सही है, तब तक ये गोश्त के साथ भी भुनेगा। और ये मैंने 3 से 4 अदर गोल लाल मिर्ची मैं इसमें डाली थी, आपकी मर्ज़ी तो आप डाल लो इसमें, ज़रा ये अच्छा सा जायका आता है पुलाव का। ये इसमें ही है, थोड़ा सा यही से फ्राई करना है गोश्त को, गोश्त काफ़ी डाल चुका है, तो उसमें मैं चावल शामिल कर, उसकी यखनी जो है वो शामिल कर दी। ये जो पोटली थी ये भी मैंने तोड़ के इसमें डाल दी, इसका सारा मसाले जो मैंने डाले हुए थे साबुत गरम मसाला सौंफ के साथ छोटी इलायची सब इसमें, और निकला पट पट के भी, और ये मैंने तोड़ दिया था। जो लहसुन था मेरे पास साबुत मैंने इसमें डाला था, वो भी गल गया छिलके निकाल के, तो ये भी मैं इसमें डाल दी। ये लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबल स्पून फ्रेश, ये भी इसमें डाल दी, बहुत अच्छा जायका आता है इस तरह लहसुन का, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जो निहारी वो बनाए बोंग बनाए उसमें लहसुन ज़्यादा होता है, पुलाव में इस तरह डबल लहसुन जाए तो बहुत अच्छा सा उसका हाथ जैसे जुड़ते हैं ना खाते हुए, इस तरह फिर पुलाव का जायका आता है लहसुन 2 दफ़ा इसमें जाएगा। तो लहसुन इतना ही डालेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा, नहीं तो वो फिर बस नॉर्मल सा बनेगा, इतना अच्छा जायका नहीं सामने आएगा इसका, जैसे कि जिस तरह ये मैंने किया है होम अदरक का पेस्ट। ये थोड़ा सा मैंने इसे फ्राई करना है, ये काफ़ी भुन चुका है, पहले इसका नज़र आना शुरू हो गया, तो समझिए ये इसमें गोश्त फ्राई हो गया, मसाला भी भुन गया। ये मैं यखनी इतनी सारी डाल ली है मेरे पास की, और ये ज़्यादा इसको ज़ोर ज़ोर से बर्तन को हिला के मत डाला करें। ये यखनी नीचे ना छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो कि चावलों में रहती हैं, ये मैं दिखा रही हूँ हाथ से, ये मैंने थोड़ा सा किया है ना उसे हलाया है ज़रा सा, बस ऊपर से सारी यखनी निकाली, ये हड्डियाँ छोटी छोटी सी, तो एहतियात इससे एहतियात ज़रूरी है कि चावलों में हड्डियाँ ना आ जाएँ, सिर्फ पता नहीं चलता खाते हुए कि ये हड्डी है या नहीं है चावल में, जब मुँह में जाएगी तो वो फिर जाएगी, दांत में फंस सकती, कुछ नुकसान हो सकता है, तो इसकी भी एहतियात करना ज़रूरी है। जब मैंने यखनी बनाने के लिए गोश्त में पानी में सब डाला है, तो 1 टीस्पून मैंने सब नमक डाला है, 1 टीस्पून अब मैं डाल रही हूँ
तो उसके बाद जब चावलों में थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, तो उसमें मैं चख के फिर मुझे पता चलेगा कि अब मज़ीद कितना नमक चाहिए। तो फिर मैं उस वक्त कोई कमी पेशी होगी तो नमक मैं डाल लूँगी, नहीं तो फिलहाल इसमें एक टेबल स्पून तो नमक दिया ही है। यखनी पकना शुरू हो गई तो मैंने इसमें शामिल चावल किए। चावलों ये जैसे मैंने चावल डाले हैं ना, तो काफ़ी ऊपर चावल हैं, तो मुझे लगा है कि ये पानी अब इसमें कम है, तो मैं ये चावलों वाला जो पानी है ना इसी में डाल लूँगी, जो मेरे जिसमें मैंने चावल मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, आधा किलो गोश्त लिए हैं। आप इसमें कमी पेशी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो बाकी अगर इसी तरह बनानी है तो इसी तरह बना लो आप। ये इसमें मैंने चावल डाल दिए और पानी भी डाल दिए थोड़ा सा और, कि ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, मैंने चावल भी काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए, और ऊपर जब फालतू चावल नज़र आए ना तो इससे समझ आए कि ये पानी इसमें सही रहेगा। अगर होगा तो थोड़ा बहुत ही कम होगा, तो वो फिर ऐसे ही हम बाद में भी डाल सकते हैं पकते हुए चावलों में। तो मैंने पानी इसलिए रोक दिया, अभी नहीं और मज़ीद डाल रही। तो ये मेरे पास आधा किलो चावल थे ना, तो इसमें मैं एक टेबल स्पून सिरका डाल दी। सिरका डालने से भी चावल बहुत अच्छे रहते हैं, खिले खिले से, और ये ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं। अगर पानी किसी से ज़्यादा डल जाता है तो वो भी कवर हो जाता है। तो ये मैंने हिलाया है ना, तो इससे भी मुझे लग रहा है कि ये एक इंच पानी इसके ऊपर है थोड़ा सा, तो सही रहेगा इंशाल्लाह। तो ये अब मैं इसमें एक आधी प्याली मैंने दही फेंट के रखी हुई है। तो इसमें जब यखनी या पानी देख के चेक करना है ना, तो दही की भी गुंजाइश रखनी है कि दही भी डलेगी, वो भी इसमें फिर पानी के तौर पे काम आएगी, कि इसमें वो कमी थोड़ा सा कम होगा पानी चावलों के लिए, दही जाएगी तो बैलेंस ज़रा चावलों का सही हो जाएगा। तो ये दही भी गई इसमें, मैं इसे थोड़ा सा चला लूँ चम्मच को और ये इसे पकने देती हूँ, देखती हूँ कि अब इसमें कितनी गुंजाइश है पानी की। मेरे हिसाब से ये पानी बिल्कुल सेट है, तो अब जैसे ये पानी खुश्क होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अब क्या करना है। ये इसका पानी खुश्क हो चुका है, नमक भी मैंने चेक कर लिया है। ये मेरे पास हाफ टी कुटी काली मिर्च कुंडी में कूट के, तो इससे भी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है इसका पुलाव का। ये भी ज़रूर डालना है, ये भी इसकी सीक्रेट इसका है पुलाव का। तो ये अब मैं फुल तेज आग पे तवा नीचे रखा है मैंने, ये तवा नज़र आ रहा होगा आपको, ये तवा रखा है। अब ये जैसे ही इसमें से भाप मुझे नज़र आएगी, ये इसमें जो सुराख है ये यहाँ तो साइडों से आएगी, ये जो साइड है इधर से भी भाप नज़र आती है। जब ये भाप नज़र आएगी मुझे, तो मैंने चूल्हा फिर दरमियाना दाम वाला कर देना है। फिलहाल इस वक्त मैंने फुल किया हुआ, बाद ना ये नज़र आएगी मुझे भाप, तो फिर एक मिनट के बाद मैंने हल्का चूल्हा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सा दम आ चुका है इसका। पहले मैंने जैसे कि बताया था कि मैं इसे कुछ देर 5 मिनट इसे रखूँगी, वो जब भाप मुझे नज़र आएगी तो फिर मैं इसे हल्की आग पे दम पे रख दूँगी। कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट तक इसे रखा है। तो ये आप देख सकते हो चावल कितने अच्छे से खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। तो आप ही ऐसे ही दम लगाओ, अगर जिनको कई अक्सर ख़वातीन को होता है ना कि मेरे चावल ही सारे बैठ जाते हैं, सही नहीं रहते, तो इस तरीके से एहतियात करके चावल बनेंगे ना तो बहुत अच्छे रहेंगे। अब मैं इन्हें थोड़ा सा खुला छोड़ दूँगी ताकि ये अलग अलग से चावल नज़र आए जब मैं डिश में डालूँ। कुछ देर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, मैं डिश आउट करके चावल दिखाती हूँ।